देखे यार कि आप लोग अच्छे हाई क्वालिटी ग्राफिक गेम्स ढूंढ रहे हो खेले के लिए तो आप लोग सही वीडियो देख रहे हो, वीडियो का एंड तक सब देख रहा हूँ क्योंकि आज की वीडियो में आपको टॉप 5 बेस्ट हाई क्वालिटी ग्राफिक गेम्स बताने वाला हूँ वो एंड्रॉइड और iOS के लिए, जिनमें सारे के सारे गेम्स एक से बढ़कर एक होने वाले हैं। तो उस चीज की टेंशन मत लो, लेकिन वो गेम्स बताओ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और अमेजिंग गेम्स जानते रहने के लिए, और कमेंट करके जरूर बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहोगे। और हाँ, सभी गेम की डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर चाहो तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। नो 5PG गेम आता है, बहुत ही बढ़िया बैटल रॉयल गेम होने वाला है। मतलब गेम आपको बिल्कुल फ्री फायर और पबजी जैसा देखने को मिलेगा, और जो गेम के ग्राफिक्स है वो तो पूछो ही मत, मतलब आपको एकदम नेक्स्ट लेवल ग्राफिक्स आपको इस गेम के अंदर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे ग्राफिक्स आपको इस गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब ये गेम के नाम की बात करूँ तो गेम का नाम है बैटल प्राइम, जहाँ गेम का साइज 2.4GB के आसपास देखने को मिलता है, और ये गेम पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है, तो आप इस गेम में मल्टीप्लेयर मोड भी खेल पाओगे। अब ये गेम की फीचर्स की बात करूँ तो गेम के अंदर आपको बहुत सारी गन्स देखने को मिल जाती है, यहाँ तक कि गेम के अंदर आपको स्नाइपर गन्स भी देखने को मिल जाएगी, बहुत सारे गेम मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे, और बहुत सारे कैरेक्टर्स भी आपको इस गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे, और हर एक कैरेक्टर की अपनी खुद की यूनिक एबिलिटी भी होती है। अगर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, अगर कुछ अच्छा न्यू बैटल रॉयल गेम ट्राई करना है जिसकी ग्राफिक्स कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे देखने को मिले तो इसे जगह आप कर सकते हो, उस गेम के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की ओर। तो वीडियो नो 4PG गेम आता है, बहुत ही बढ़िया स्टोरी गेम होने वाला है। तो अगर आपको ऐसे स्टोरी टाइप के गेम्स खेलना पसंद है जिसके अंदर आपको एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी देखने को मिले तो ये गेम आपको जरूर पसंद आने वाला है। और इतना ही नहीं, गेम के अंदर आपको जो ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे वो नेक्स्ट लेवल है, मतलब आपको एकदम PC लेवल के ग्राफिक्स आपको इस गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जो गेम के अंदर 1GB के आसपास देखने को मिलेगा, और ये गेम पूरी तरह से ऑफलाइन होने वाला है, तो नेट की टेंशन मत लो। और वही के नाम क्या होता है तो गेम का नाम है लाइफ इज स्ट्रेंज, आप इसे चेकआउट कर सकते हो, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको अच्छे स्टोरी टाइप के गेम्स खेलना पसंद है तो ये गेम आपको पसंद आएगा, एक बार देख लेना। आगे बढ़ते नेक्स्ट वीडियो नंबर 3PG गेम आता है, एक ऑफ रोड कार ड्राइविंग गेम होने वाला है। तो अगर आपको ऐसी ऑफ रोड कार ड्राइविंग गेम्स खेलना पसंद है जिसमें आपको बहुत सारी हिली एरियाज मिल जाए कार ड्राइव करने के लिए, बहुत सारे वेस्ट टाइप के रोड्स भी देखने को मिले तो ये गेम आपको जरूर पसंद आने वाला है। गेम का नाम है ऑफ रोड कार ड्राइविंग सिमुलेटर। अब वही के गेम के साइज के थ्रू तो गेम का साइज 422 MB के अंदर देखने को मिलता है, गेम का साइज इतना ज्यादा नहीं है, फिर गेम के अंदर आपको जो ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे वो बहुत ही बढ़िया, मतलब आपको एकदम नेक्स्ट लेवल ग्राफिक्स आपको इस गेम के अंदर देखने को मिलेंगे, एकदम रियलिस्टिक ग्राफिक्स आपको इस गेम के अंदर देखने को मिलते हैं। मेरी मानो तो एक अच्छा ऑफ रोड कार ड्राइविंग गेम ढूंढ रहे हो खेलने के लिए तो इसे जगह आप कर सकते हो, इस गेम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की ओर। इसी के साथ वीडियो पर नंबर 2PG गेम आता है, वो एक कार रेसिंग गेम होने वाला है, लेकिन वो कोई ऐसा वैसा कार रेसिंग गेम नहीं होने वाला, बल्कि गेम के अंदर आपको जो ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब अगर आपने कभी फॉर्ज़ा हॉराइज़न 5 खेला होगा या फिर कभी देखा होगा तो उस लेवल की ग्राफिक्स आपको इस गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और इतने नहीं, गेम के अंदर आपको 100 से भी ज्यादा रियल लाइसेंस कार्स देखने को मिल जाएगी, अलग अलग ब्रांड्स की जैसे बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, फरारी और भी बहुत सारी ब्रांड्स की कार्स आपको इस गेम के अंदर देखने को मिल जाएगी, जिन्हें आप फुली अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर पाओगे गेम के अंदर। वही अगर गेम के साइज के तो गेम का साइज 5GB के आसपास होने वाला है, और ये गेम पूरी तरह से ऑनलाइन। तो अगर आप लोग एक अच्छा रेसिंग गेम ढूंढ रहे हो बिल्कुल जिसके ग्राफिक्स नेक्स्ट लेवल देखने को मिले तो इसे चेकआउट कर सकते हो, इस गेम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे बढ़ते नेक्स्ट गेम की ओर। और इसी के साथ वीडियो का आखिरी गेम यानी नंबर 4 गेम आता है, वो भी एक ज़ॉम्बी सर्वाइवल गेम होने वाला है, क्योंकि आपको एक बहुत ही बड़ा ओपन एंड एरिया मिल जाता है जिसे आप अपने हिसाब से फुली एक्सप्लोर कर सकते हो, अच्छी खासी स्टोरी लाइन देखने को मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे इस गेम की लगी कि गेम के अंदर आपको एकदम रियलिस्टिक ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, गेम के अंदर आपको कैसे भी करके सर्वाइव करना होगा, ज़ॉम्बीज को शूट करना होगा, सर्वाइवल के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने होंगे। अगर आप एक अच्छा ज़ॉम्बी गेम ढूंढना चाहते हो जिसके ग्राफिक्स आपको एकदम PC लेवल के देखने को मिले तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। वही अगर इनके साइज का तो इस गेम का साइज 2GB के आसपास होने वाला है, और ये गेम भी पूरी तरह से ऑनलाइन है। तो गाइस, ये टॉप 5 न्यू गेम्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैंने एक वीडियो भी अपलोड करी है जिसमें मैंने टॉप 5 बेस्ट स्पाइडरमैन गेम्स के बारे में बताया, आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। बाय।